राष्ट्रीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग जिला सीधी कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए चांद खान ने पंचन के बताई कि चांद खान आदर्श ग्राम करवाही के रहे वाले हैं, जिनका आज राष्ट्रीय कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष सीधी मनोनीत कीनगा है। आई अपना पंचन का मिलवाई थे चांद खान से और जानी थे कि कौन मेके जनता के सेवा करी। चांद खान जी से मिलवाबे से पहले अपना पंचन का बताई कि चांद खान जी रामायण के कई एक चौपाई का ही मुजवानी याद है उनका। अब कई एक चौपाई के माध्यम से वक्तव्य दिन ही ना अपन जौन के अपना आगे सुना। वास्तव में ऐसा कम समाज से भी होबा करत है जौन अपन तन मन धन खर्च करके गरीबन के हित खातिर लड़ाई लड़ा थे। ऐसा ने आज अपना कहा में एक अजीब गरीब नेता से मिलाई थे और आई चर्चा करी थे और अपना पंचन का सुनवाई थे कि का वक्तव्य है थे जौन पिछड़ा वर्ग के ही राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं चांद खान, जौन के आदर्श ग्राम करवाही ग्राम पंचायत के आई यही आज उनसे मिलवाई थी, उनका बधाई दी थी और क्षेत्र के बारे में जानी थी कि जनता का लई के का कहा थे का कहा भय कऊ में से जनता के सेवा करी आई चर्चा करी थे और अपना उसे मिलवाई थी। नमस्कार, अपना के का पहले शुभ नाम है और काहे के अध्यक्ष बना नहीं ये थोका बताई लोगन का ही ये। मेरा नाम तो चांद खान है, ग्राम करवाही आदर्श ग्राम है, आदर्श ग्राम करवाही का हूँ मैं जी। और मैं अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सोनिया जी हैं आदरणीय, आपकी प्रियंका जी हैं जी, राहुल बाबा हैं और हमारे मुखिया हमारे मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी हैं मुख्यमंत्री जी जी, और हमारे पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजमणि राज्यसभा सांसद जी हैं, उनके द्वारा मुझे यहाँ सीधी में पिछड़ा प्रकोष्ठ वर्ग से मुझे कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष बना करके यहाँ उतारा गया है, भेजा गया है। और मैं ये जनसेवा की जहाँ आपने बात किया तो इसके पहले मैं सब अपने पार्टियों को और अपने नागरिक अपने जिलावासियों को सबसे पहले मैं शुभकामनाएँ और हजारों करोड़ों वंदन और अभिनंदन सबको पब्लिक से लेकर अधिकारी कर्मचारी गण सबको मैं करता हूं। और मैं अपने जिलावासी कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं जो गांव से और शहर तक हैं जिनसे मेरा संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है तो मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा। और जनसेवा रही जहां बात करने की तो देखिए सर, ये जनसेवा करने का अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है। अब हमारा तरीका क्या है ये तो अब 11 तारीख से हम बताएंगे, अभी तो हम व्यस्त हैं अपने मुख्यमंत्री जी के और माननीय श्री राजमणि राज्यसभा सांसद के, अब भी मैं तैयारी में चल रहा हूँ फिलहाल। आज मैं बधाई देने आप मीडिया के साथ में सहयोग लेकर के और मैं अपने जिलावासियों को बधाई देना चाहता हूँ और मैं भी उन सब से मैं ये आशा करता हूँ कि मुझे सेवा का मौका दिया जाएगा। अब यही है बिल्कुल। पढ़ाई के बारे में बताई के का एजुकेशन हवे का बकाए चाहिए थे। पढ़ाई के मामले में सर मैं क्या बताऊं, मेरी पढ़ाई है सबसे पहले तो मेरी पहला पढ़ाई है, मैं तीसरी क्लास तक देखिए पढ़ा हूं और तीसरी क्लास में मैं क्या पढ़ा हूं, सबसे पहली बात तो मैंने ये पढ़ा जब मैं नहा धोकर के विद्याध्ययन करने के लिए गुरुजी यानी स्कूल में जाता था तो हमारे गुरुजी लाइन में खड़ा करा करके और सबसे पहली विद्या क्या पढ़ाया करते थे कि वह शक्ति हमें दो दया निधे कि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। बिल्कुल। और सर अब ये शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ, दूसरी विद्या मेरी क्या है, पढ़ाई क्या है कि हम भारत के वीर सिपाही आगे कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तीसरी पाठ क्या है कि आओ इसका पता लगाएं। बिल्कुल। विज्ञान मैंने पढ़ा, आओ इसका पता लगाएं। बिल्कुल। और चौथी पढ़ाई तो अब ये मान लीजिए कि आज 18 साल में मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ और पढ़ूंगा ही और मैं सेवक परिवार समेत नाथ न सकुचो आयस देता। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।